बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ। उससे पहले यहाँ पर क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें सिक्स वर्क्स लिखने हैं जो कि फायर से किए जाते हैं, जिनके लिए फायर जरूरी होती है। राइट नेम्स ऑफ सिक्स वर्क इन विच फायर इज नीडेड। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं कुक फूड खाना पकाने के लिए, हीट द वॉटर पानी को गर्म करने के लिए, मोल्डिंग मेटल्स जो मेटल्स होते हैं उनको पिघलाने के लिए हीट का यूज किया जाता है, फायर गिव्स लाइट लाइट के लिए, सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं, सेरेमनीज में यूज करते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग लिख सकते हैं फायर जिन काम में आती है। तो बच्चों, अब हम इस लेसन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें यह बताया गया है कि अर्थ पर ह्यूमंस कैसे आए, कैसे उनका आविष्कार हुआ, एंड देन फायर कैसे आई, और फिर दूसरी चीजें जो ह्यूमन यूज करता है उनका आविष्कार कैसे हुआ। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, दिस वाज द टाइम व्हेन टाइटन रूल ओवर द हेवन। ये उस समय की बात है जब स्वर्ग में टाइटन राज करता था, और उसकी डेथ के बाद उसके बच्चों ने स्वर्ग पर राज किया। तो उसका एक बच्चों में से एक था जिसका नाम था जीयस। तो वो सुप्रीम रूलर हो गया था इस पूरे यूनिवर्स में, एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी हीरा जो थी वो स्वर्ग की रानी बन गई थी। बट येट ऑल्सो देयर वर नो मैन ऑन द अर्थ। लेकिन अभी तक क्या था, पृथ्वी पर कोई भी आदमी नहीं था। सो द गॉड्स डिसाइडेड टू मेक ए क्रिएचर हु हैज ऑल एबिलिटीज इन इट। इसलिए भगवान ने ये डिसाइड किया, निश्चय किया कि एक ऐसा क्रिएचर यानी जंतु बनाते हैं जिसमें ये सब क्वालिटीज हों जिसके अंदर। तो उन्होंने प्रोमेथियस को उस काम के लिए चुना। तो प्रोमेथियस सेंट फ्रॉम हेवन डाउन टू द अर्थ। प्रोमेथियस जो है उस काम के लिए स्वर्ग से धरती पर भेजा गया। तो देयर ही टुक ए क्ले, उसने तब मिट्टी ली और उसको पानी के साथ मिलाया, उसको नीड किया मतलब गूंधा, और उसके बाद उसको भगवान के जैसे दिखने वाली एक शेप दी, एक आकार दिया। तो इस तरह से मैन वॉज बॉर्न। ही हैड द इमेज ऑफ ए गॉड, उसकी जो आकृति थी वो भगवान के जैसी थी। देन प्रोमेथियस थॉट, तब उस प्रोमेथियस ने सोचा कि व्हाट गिफ्ट शैल आई गिव दिस वर्क ऑफ माई हैंड्स टू मेक हिम सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ द क्रिएशन। बाकी की जितनी भी क्रिएशन है इस पृथ्वी पर, उन सबसे उसको सुपीरियर बनाने के लिए, उच्च बनाने के लिए मैं अपने हाथों से उसको क्या गिफ्ट मैं दे सकता हूँ, उस जो इमेज बनाई उसने मिट्टी से। तो हिज ब्रदर एपिमेथियस, उसका जो भाई प्रोमेथियस का भाई था एपिमेथियस, उसने पहले से ही एक बहुत बड़े गिफ्ट दे रखे थे एनिमल्स को, जो थे स्ट्रेंथ करेज कनिंगनेस एंड स्पीड। यानी कि स्ट्रेंथ मतलब ताकत, हिम्मत, कनिंगनेस मतलब चालाकी, और उनमें गति स्पीड। तो देन द क्विक विटेड प्रोमेथियस थॉट ऑफ फायर, तभी एकदम से एक बुद्धिमान वाला विचार प्रोमेथियस के मन में आया। उसने आग के बारे में सोचा कि कितना वंडरफुल, कितना ब्यूटीफुल गिफ्ट रहेगा अगर मैं आग दे दूं। तो आग से क्या होगा विद फायर, टाइटन थॉट। टाइटन ने सोचा मैन कैन मेक वेपन्स, औजार बना सकते हैं, सबड्यू द बीस्ट्स, सबड्यू मतलब अपने जानवरों को अपने वश में कर सकते हैं, फोर्ज टूल्स यानी कि अपने औजारों को शार्प कर सकते हैं, पृथ्वी को जोत सकते हैं, एंड सब कलाओं में निपुण हो सकते हैं। तो फायर विल वार्म हिज ड्वेलिंग एंड ही नीड फियर नीदर रेन नॉर स्नो नॉर द वाइल्ड नॉर विंड। और इससे क्या होगा, उनका जो ड्वेलिंग मतलब जो रहने की जगह है वो गर्म हो जाएगी, और उनको किसी चीज का डर नहीं रहेगा, ना बारिश का, ना बर्फ का, ना जंगली जानवरों का, ना ही तेज हवाओं का। तो बैक टू हेवन प्रोमेथियस स्पेड, मतलब वापस प्रोमेथियस ने सोचा कि लिट हिज टॉर्च, वो स्वर्ग में गया, उसने सोचा कि लिट हिज टॉर्च एट द चैरियट ऑफ द सन, उसने सूरज के रथ पर, चैरियट मतलब मशाल जैसे होता है, उसने एक टॉर्च जैसी मशाल जलाई और उस वहां से आदमी को ब्रॉट डाउन फायर टू मैन, वहां से आग लेकर के इंसान को फायर दे दी, एंड वेंट अवे रिजॉइसिंग, और अपना खुशी खुशी वो वहां से चला गया। बैट Up on high Olympus, great Zeus was angry with Prometheus. लेकिन अब जो सुप्रीम अथॉरिटी था, जो उच्च जीयस था, वो उससे नाराज हो गया प्रोमेथियस से। उसे उसकी जो प्रोमेथियस ने जो शक्ति ली उससे वो जलन करने लगा, जेलस करने लगा जीयस। एंड ही क्ले ए काइंड ऑफ सॉइल यूज टू मेक अर्थन पॉट्स फाउंड प्रोमेथियस ऑलमोस्ट ए मैच फॉर द गॉड। उसने सोचा कि इसने मिट्टी से एक भगवान जैसा ऐसा रचना कर दी जो कि भगवान के तुल्य है, इसलिए उसने अपने आप से कहा आई विल कर्व हिज इल गॉटन फॉर गॉटन पावर। इसलिए उसने अपने आप से कहा कि मैं उसका इसको अपने काबू में कर लूंगा, जो उसने ये शक्ति बनाई है उसको मैं अपने काबू में कर लूंगा। स्ट्रेट अवे जीयस मेड ए वुमेन, उसके बाद जीयस ने उसने क्या किया, जीयस ने एक औरत बनाई जो कि देवी की तरह दिखती थी, एंड कॉल्ड हर पैंडोरा, उसको पैंडोरा का नाम दिया।
देन शी वॉज प्रेजेंटेड टू द टाइटन्स, और फिर उसको टाइटन को दिया, उसके सामने दिखाया और बोला, प्रोमेथियस कॉशन्ड हिज ब्रदर, आई फियर द गिफ्ट ऑफ विलिजियस, मुझे ये जो चालाक जियस है उसके गिफ्ट से डर है, मतलब बहुत चालाक है जो जियस, मुझे उसके गिफ्ट का डर है. ही बियर्स इल विल विद मी, वो मेरे लिए बुरी भावना रखता है बिकॉज ऑफ द फायर, क्योंकि मैंने स्वर्ग से फायर चुरा ली और उसको इंसान को नीचे दे दिया. बट एपिथीमस वॉज इंचेंटेड विद पेंडोरा, लेकिन जो एपिथीमस था वो पेंडोरा के चंगुल से छूट गया था एंड मुक्त हो गया था, एंड टुक हर टू हिज हार्ट एंड होम, और वो वापिस घर आ गया था. नाउ इन द होम, अब घर में एपिथीमस कैप्ट सर्टेन गिफ्ट इन ए जार, एपिथीमस ने अपने जार के अंदर कुछ गिफ्ट रखे हुए थे, उसने इन गिफ्ट को किसी एनिमल्स को नहीं दिया था अब तक. तो उसने पेंडोरा को बोला, ऑन नो अकाउंट मस्ट यू ओपन दैट जार, मतलब तुम इस जार को नहीं खोलना. However, Pandora was made curious by the gods and she could not resist this curiosity. तो जैसे भी मतलब वो Pandora जो थी वो बहुत ही ज्यादा curious हो गई, उत्सुक हो गई कि भगवान के वो gift को देखने के लिए, अपनी curiosity को वो रोक नहीं पाई, अपनी जिज्ञासा को. So she slipped off the cover of the jar to peep into it. उसने इसलिए क्या किया, उसका ढक्कन खोल दिया उसने और वो जार के अंदर झांकने लगी. तो उसी क्षण सारे जो जार के अंदर से जो होस्ट एविल प्लेक्स थे, एविल प्लेक्स मतलब जितनी भी ये जो थी बुरी शक्तियां थी वो सब उसमें से निकल गई एक एक करके, जैसे कि डिजीज, बीमारियां, एनवी, ईर्ष्या, और ये जो रिवेंज, बदला, एंड स्कैटर्ड देमसेल्फ फार एंड वाइड, और ये दूर दूर तक फैल गई. तो पेंडोरा ने अपना हाथ उसके ऊपर लिड के उसके ढक्कन के ऊपर ढका, लेकिन अब देर हो चुकी थी, जार वॉज ऑल बट एम्प्टी, जार पूरा था लेकिन वो खाली हो चुका था. Only hope had remained, hope which never leaves mankind. केवल एक उम्मीद बची थी कि वो इंसान ही है जो उसको नहीं छोड़ता. तो जीएस वॉज पार्टली हैप्पी, जीएस जो था वो खुश था कि दैट ही गेव मैन एनिमीज वॉस, कि उसने जो है देन बीस्ट टू कंटेंट विद, उसने मतलब इंसानों के लिए दुश्मन बना दिए हैं, जानवरों से भी बदतर इंसानों को दुश्मन बना दिए. बट स्टिल ही कुड नॉट फॉरगिव प्रोमेथियस, लेकिन वो अभी तक भी प्रोमेथियस को माफ नहीं कर पाया था. वो चोर जिसने हेवंस के फायर को चुराया था, एंड शेल बी पनिश्ड एज हिज लव ऑफ मैन डिजर्व्स, मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए ऐसा वो सोचता था. तो जीएस ने डिक्लेयर कर दिया कि ही शेल बी चेन्ड टू द हाईएस्ट रॉक ऑफ माउंट कोयकस वेयर मैन कैन नेवर क्लाइम. तो उसने सोचा कि जो ये मतलब उस आदमी को सबसे ऊंची चोटी पर माउंट कोयकस की वहां पर एक चेन से बांध दिया जहां पर आदमी कभी चढ़ ही नहीं सकता. स्कॉस्ड बाय द सन, और वो सूरज की गर्मी से झुलस गया वो जो आदमी था. एंड उसने ही शैल लाई एंड ग्रोन, वो वहां पर करहाने लग गया, लेट गया. एंड आई विल कॉज ए वल्चर टू प्रे अपॉन हिज लिवर, और उसने वहां पर क्या किया, उसको जो गिद्ध होता है उसको वहां शिकार के लिए भेज दिया. विच शैल ग्रो अगेन एज फास्ट एज इट डिवोर्ड, तो मतलब जो कि वहां पर खो जाता है, वहां पर मतलब बहुत ऊंचाई पर उसे बहुत ही तकलीफ में रख दिया. ही समंड हेपेथिस Hephaestus, उसने Hephaestus को बुलाया, एंड हाई ऑन द माउंटेन, और जहाँ पहाड़ की चोटी पर ईगल्स, जहाँ पर बहुत सारे गिद्ध का घर था, हेवंस लेम स्मिथ रिविटेड प्रोमेथियस टू द रॉक, स्वर्ग से वो जो लंगड़ा स्मिथ था उसने वहां पर प्रोमेथियस को चट्टान पर बांध रखा था. तो प्रोमेथियस जो था वो चेन से लटका हुआ था, लेकिन ही नीदर ग्रोन, ना वो चिल्ला रहा था, ना वो अपने लिए दया की भीख मांग रहा था. उसने अपना पछतावा किया, वॉट ही हैड डन नॉर बेंट हिज नी बिफोर द टायरेंट, और ना ही उसने अपना पछतावा किया और ना ही अत्याचारियों के सामने उसने अपने घुटने टेके. द रॉक, वो चट्टान, वो गिद्ध और वो जो चेन थी जिससे वो बंधा हुआ था, वो सबने उसने वो सब सहन किया. एंड शोड हिज एगोनी टू नन, और अपना जो दुख तकलीफ, जो एगोनी, जो पीड़ा थी वो किसी को नहीं दिखाई. तो बच्चों ये जो एक्सट्रैक्ट है ये ग्रीक मिथ बेस्ड ऑन एनी टेरी वाइट्स एडाप्टेशन से लिया गया है. तो इससे हमें क्या मोरल मिलता है बच्चों, कि वी शुड डू दोज वर्क्स व्हिच आर गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. हमें सिर्फ वो काम करने चाहिए, जो वो अच्छे काम करने चाहिए जिनसे कि सारे मनुष्यों का भला हो, उनकी भलाई के लिए हो. ऑल्सो शुड हैव कॉन्फिडेंस इन अवर सेल्फ, और हमें अपने काम में विश्वास रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए. थैंक यू.